आशीर्वाद का, किसी बात का, साथ बोले नाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का, शिव शंभू। गुड मॉर्निंग गाइस, आपका फिर से स्वागत है और एक नया वीडियो में। आज हम लोग जो प्यालगांव से चंदनवाड़ी होके हम शेषनाग तक रुकेंगे। तो आज हमारा यात्रा का पहला दिन है, यानी स्टार्टिंग जो ट्रैकिंग वगैरह आज से ही स्टार्ट होगा। इतने दिन से आपने जो ट्रैकिंग वगैरह के साथ जो हम लोगों ने पैदल यात्रा किया था वो तो आपने देखा। तो आज आपका जो सही तरह से पैदल यात्रा का स्टार्टिंग होगा, जहाँ पर आपका पीछू टॉप पड़ेगा जो आपको ट्रैकिंग करना है। उसके बाद आपका थोड़ा सा जो यात्रा होगा वो कठिन नहीं होगा और धीरे धीरे आपका रास्ता जो समतल में आ जाएगा। तो अभी सुबह का 4:10 होने वाला है। तो हम लोग इधर से सिक्योरिटी चेकिंग पार करने के लिए रुके हुए हैं। आप देख पाएंगे पीछे बहुत सही लाइन है और सामने भी बहुत सी लाइन है। और एक बड़ा भाई है, बोले जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। तो फाइनली लाइन चल दिया है आगे की तरफ। हम खड़े थे तब तो कोई लाइन नहीं था, अभी चारों तरफ लाइन ही लाइन है। पीछे भी 5 बज रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ के नाम से हम लोग चल दिए हैं। अभी सिक्योरिटी चेकिंग होना बाकी है क्योंकि बहुत लाइन लग गया है चारों तरफ। तो ये सिंगल लाइन हो चुका है। इधर हमारा कैंप था, इसका मैं हमने रात में रुका था। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग सर जी। तो हमने सिक्योरिटी चेकिंग पार कर लिया है, अभी हम इधर एक मिनट रुकेंगे, नहीं सामने जाएंगे। जय बोले। मौसम सुहाना है और बाबा की यात्रा के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो बाहर सभी गाड़ियां रुके हुए हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी जाती है। और देख पाएंगे दोनों तरफ फ्लावर का गार्डन ही गार्डन है। देखिए पीछे इतना सुंदर नजारा। इधर आ जा। 5 बंदे, 5 बंदे। कितना प्राइस कितना है? 180 करके। तो फाइनली हमने कार बुक कर लिया है और इधर से हम चंदनवाड़ी के लिए जा रहे हैं। और आप ध्यान रखिए इधर का प्राइस है 180 रुपीज़
पर बंद है। अब फुल गाड़ी मत कीजिए क्योंकि वो एक बस रहेगा। काफ़ी सारी लाइन है इधर। हमने इस लाठी को बाय किया है 20 रुपीज़ से और ठंड भी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने अंदर ठंड के कपड़े भी पहने हुआ है। देखिए कितना सुंदर नियम है और हम लोगों ने जो परमिट बनवाया था वो आपके हाथ में होना चाहिए। इधर ही पहला परमिट जो पहलगांव वाला रूट है चंदनवाड़ी से स्टार्ट होता है उधर चेक होगा। तो धीरे धीरे बाबा का नाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसे लग रहा है और अगर वीडियो को अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और बाबा का नाम लेते हुए और अपना यात्रा शुरू कीजिए। अगर गलती से तहरा फट गया वो भी हम एक्सेप्ट कर देंगे आपका। फाड़ दो। अगर गलती से तहरा फट गया वो भी एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है सर जी। चिकन पार कर लिया है अभी हम बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इधर से अगर आपको पैसे निकलवाए हैं तो आपको ATM ही मिल जाएगा। J&K बैंक की तरफ से देख पाएंगे कार ATM है और नीचे से हमने चलाई की स्टार्ट किया है। हमारा पहला स्टॉप है शेषनाग जिसके अंदर टिशू टॉप करके एक सबसे एक खतरनाक चढ़ाई पड़ती है हमें उसको पार करना है। और आज का हम लोगों का जो चढ़ाई है 16 किलोमीटर का चढ़ाई है।
पिछले साल मैंने चार धाम यात्रा इस शू से ही किया था, काफ़ी अच्छा शू था। इस साल भी हम कर रहे हैं, तो हमने चढ़ाई स्टार्ट किया है 6:25 पर। देखते हैं साढ़े तीन बजे के अंदर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं शशनक तक, क्योंकि सुना गया है 4 बजे के अंदर आप जिस स्पॉट पर रहेंगे उधर ही रोक दिया जाता है, आगे नहीं जाने देते। तो हम लोग बाबा भोले जी के नाम के करते हुए आगे जा रहे हैं। तो आप नीचे से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी घोड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिए, जब आप घोड़ा या पिट्टू जो भी करेंगे ना, उनके पास एक आईडी होता है, वो आईडी आपको दे देंगे और पर्ची दे देंगे। उस पर्ची जब तक आप शेषनाग तक करेंगे या पंच तक नहीं करेंगे या अमरनाथ तक, उसको मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी बार चेकिंग होता है, वो लोग बोलेंगे चेकिंग करने के समय आईडी उनको देने के लिए, लेकिन आप मत दीजिए। अगर दे देंगे वो लेके चला जाएगा और आपको उन बंदे का पता भी नहीं मिलेगा और आप किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप चढ़ाई करेंगे ये दिन ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। आज मौसम भी अच्छा है, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए। सुना है अमरनाथ गुफा तक यानी नहीं गया जाता जब से बादल फटा है, लेकिन देखते हैं हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा, हम अगर जल्दी जाते उधर रोकते देते कि नहीं देते, क्योंकि हमने डिसाइड किया था उधर सुबह 5 बजे का जो आरती होता है अमरनाथ जी का, और दर्शन करेंगे। अगर आप उधर रहेंगे तभी दर्शन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों का प्लान था, देखिए क्या होता है। तो इधर पहलगाँव वाला जो ऑप्शन है, आपको पहलगाँव होते हुए 14 बजे तक हमने आया है, 16 किलोमीटर हमें पीसी टॉप जो सबसे ऊंचा वाला चढ़ाई है उसको क्रॉस करके जूजीपल ये नागाकोटी देन शेषनाग, हमें शेषनाग से आज रुकना है। और दूसरे दिन शेषनाग से हमें एमजी टॉप होते हुए हमें कोशिश होते हुए पंजल तक रुकना है, पंचतारणी, उसके बाद से हमें हॉलीकर। ये पूरा डायग्राम है पहलगाम रूट का। इधर और एक सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है, आपको रास्ते रास्ते पे सिक्योरिटी चेकिंग ऐसे पार करके आगे जाना होगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा बहुत ही सिक्योर है। तो देखिए हमने और सिक्योरिटी चेकिंग पार कर लिया है, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ठंड ज़्यादा लग रहा है। अभी आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों तरफ ही CRPF के जवान रहेंगे और आर्मी के जवान रहेंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे कि राइट साइड में जाए या लेफ्ट साइड में जाए। ज़्यादातर समय लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है वो घोड़ा पिट्टू के लिए होता है, और राइट साइड से ऐसे लोग ट्रैकिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं और इस ट्रैकिंग का जो मज़ा है वो ले रहे हैं। आपको ट्रैकिंग में कष्ट तो होगा, लेकिन बाबा जी के नाम करेंगे तो कष्ट बहुत कम हो सकता है। देख पाए कितना श्रद्धालु एक एक करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर कोई रास्ता वगैरह नहीं है, जैसे केदारनाथ धाम में क्या होता था, चार धाम यात्रा में आपका रास्ता मिलता था, इधर से पत्थर है, कोई रास्ता नहीं है। आपको इसके ऊपर से धीरे धीरे यात्रा करके आगे बढ़ना है, और आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा पहाड़ और राइट साइड में बहती हुई नदी। तो एक बार पीसी टॉप पार कर गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो भोले कि नाम लो और आगे की तरफ बढ़ते रहो। अनिमेश बोलिए, यात्रा कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और
केदारनाथ यात्रा या अमरनाथ यात्रा में डिफरेंट क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, रास्ता होने को समय का चले पूरा मुझे घूम के ट्रैकिंग करती और ठंड बहुत है भाई बोल रहे हैं केदारनाथ यात्रा में रास्ता जो बना हुआ था लेकिन इधर का जो रास्ता है जैसे घुमुक में ट्रैकिंग होता है ना ऐसे ट्रैकिंग है तो गाइस इधर से टिशू टॉप की जो ओरिजिनल चढ़ाई है वो स्टार्ट होता है आप देख पाएंगे कितना खारा चढ़ाई है तो इधर से हम लोग का स्टार्ट अभी होगा मेन चढ़ाई जिसको पार कर लिया तो शेषनाग हम आराम से पहुंच जाएंगे तो चलिए चढ़ाई को पार करते हैं ये ये मेन यही मेन है यही देखो घोड़ा कच्चर साइड से जा रहा है सभी यात्री धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते रास्ते में आपको जूस वगैरह का दुकान भाई मिलेगा जहाँ से आप अपना थकान लग जाए जूस पी के अपना थकान दूर कर सकते हैं तो टिशू टॉप नीचे से स्टार्ट हुआ है हमने इतना थोड़ा सा चढ़ाई किया है 1% अभी हम लोग को उस ऊपर में जाना है जहाँ तक मेन चढ़ाई खत्म होगा तो रास्ते इधर से होते होते हुए ऊपर तक जाएंगे तो ये जो कैमरा है मैं मैंने हाथ में नहीं पहनूंगा मैंने जो चेस्ट में लगा लूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मिले और मैं बात भी अच्छा कर सकूँ अगर मैं हाथ में लूँगा तो मुझे पैदल आते करने में दिक्कत होगा उसके बाद मैं फिर से कैमरा हाथ में ले लूँगा तो चलिए आगे जाते हैं और जो कैमरा है उन्हें चेस्ट में लगा लेते हैं हम लोग उस नीचे से इधर होके आए हैं पर हमें उस ऊपर तक जाना है
चलो बोले रास्ते का हाल देखिए, पानी और मिट्टी वाला रास्ता है। आपको ध्यान से इस रास्ते के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देखो पानी, बोले तेरे आशीर्वाद का किसी बात का, साथ बोले नाथ का, सर पे मेरे हाथ, बोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर, तेरा नशा है चढ़ा मजा कर, लेके नाम बोलेगा वो निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ वो जानता।
तो फाइनली हम लोग इस ब्लॉक की जो चढ़ाई है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसका व्यू नीचे हमसे उधर तक आ चुका है, इसके बाद दूसरा चढ़ाई नहीं है। इधर आते आते पूरा परेशान हो गया, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट ले लेके इधर आ चुका हूँ जल्दी। अभी 9 बजे है, हम लोगों ने दो घंटा 20 मिनट में ये चढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ। बैठो ले जाओ। तो अभी हम लोग इधर थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे, उसके बाद आगे की जो यात्रा है वो स्टार्ट करेंगे। हम लोग अभी जो हम लोग का नेक्स्ट बेस्ट कैंप है जो शेषनाग है उसकी तरफ जा रहे हैं। पीछे लोग करने चढ़ाई करने के बाद सांस फूल रही है क्योंकि बहुत ही कबड़ा खड़ाई था, हमने तो शॉर्टकट लिया इसलिए ज़्यादा सांस फूल रही है। ये रास्ता नॉर्मल है, देखते हैं आगे कितना खड़ा जाती है, देख पाएंगे। खर्चर वगैरह जो है सामान को नीचे की तरफ ले जा रही है और पीछे से यात्री आ रही है। उधर जो एक फ्लैग है वही पीछे टॉप था। हम लोग फुचका ट्राई कर रहे हैं, देख पाएंगे। उधर देख पाएंगे शेषनाग झील है और ऊपर सब टेंट वगैरह हैं। हम शेषनाग से सिर्फ 500 मीटर दूर के ही हैं, लेकिन 500 मीटर बहुत ही थकना देने वाला है क्योंकि फिर से चढ़ाई करना पड़ेगा।
बॉडी में जितना ताकत था सब खत्म होने वाले हैं। अच्छा देख लीजिए झील से निकला हुआ पानी। अनिमेश चल पूरा टायर हो चुका हूँ एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग कट है देखते हैं शॉर्टकट में कितना टाइम लगता है। लेकिन इधर का व्यू बहुत ही अच्छा है। अरे आप पहले आगे चल रहे थे आप पीछे हो गए। शेषनाग झील है हम लोग शेषनाग झील के टॉप पे आ चुके हैं लेकिन अभी भी जो टेंट वगैरह हैं उधर है देख पाएंगे इधर से 1.5 किलोमीटर दूर। तो आपको इधर भी टेंट मिलेगा देख पाएंगे एक दो टेंट है और उधर जाके आपको टेंट मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऊपर उधर जाके टेंट ले। तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है एकदम बात करने की ताकत नहीं है। तो चलिए ये 1.5 किलोमीटर भी कर लेते हैं। यही तो फंडा है ये जल खत्म ही नहीं होता। बत्ती बता दी क्या करवा देती है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सिर्फ 1:30 बजने वाले हैं और हमने इतना रास्ता कवर भी कर लिया है। ये हाथ पकड़ के बात करने का भी ताकत नहीं है तो करना पड़ रहा है आप लोगों को लिए।